सीएम ने 2 वर्ष में 2140 पौधे लगाए। शिवराज बोले, पीएम के पर्यावरण संरक्षण अभियान में एमपी अग्रणी रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पौधारोपण संकल्प के दूसरे वर्ष पूरे होने पर रविवार 19 फरवरी को अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ भोपाल विमानतल के पास नवनिर्मित रामवन में एक साथ पौधे लगाए हैं। रामवन में आज 740 पौधे लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से धरती को बचाना है तो पौधे लगाने होंगे। जन्मदिन पर शॉल श्रीफल बुके देने से अच्छा है कि एक पौधा लगाए। पौधे लगाना ही नहीं, हमें पौधे बचाना भी है। मुख्यमंत्री ने पौधा लगाने के बाद संकल्प के 2 वर्ष नामक पुस्तक का विमोचन भी मंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रामवन मानव निर्मित सबसे बड़ा वन होगा। यहाँ 1,40,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। पौधारोपण अभियान के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित समारोह में संकल्प के 2 वर्ष पुस्तक का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी विमोचन किया। 2 वर्ष में सीएम ने 2140 पौधे लगाए। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण के अभियान में मध्य प्रदेश अग्रणी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिदिन पौधारोपण के संकल्प को 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 19 फरवरी 2021 को अमरकंटक में मैंने इस अभियान को शुरू किया था। मुझे खुशी है कि मेरे संकल्प में जन भागीदारी से 67 लाख से अधिक पौधे अब तक लगाए जा चुके हैं। जन्मदिवस, घर के मंगल प्रसंग या अपने परिवार के सदस्यों की स्मृति में रोपण करने वाले नागरिकों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण से संकल्प को जुड़कर सहयोग किया है। पावन कार्य के लिए संकल्प मजबूत हो तो कोई भी बाधाएं सामने नहीं टिक सकती। कोविड-19 के संकट काल में भी पौधारोपण का कर्म निर्बाध जारी रहा। एक पेड़ सिर्फ हमें ऑक्सीजन, फल, फूल, छाव इत्यादि ही नहीं देता, बल्कि न जाने कितने पक्षियों, जीवों, कीट पतंगों को आश्रय भी देता है।